Told you what to chase, told you how to run the race. So guys, आज आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं एक अच्छा वाला वैक्यूम क्लीनर जो आप लोग कार या फ्लोर क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात, अगर आप लोग हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए गाइस, मैंने एक्स्ट्रा पावर कंपनी की वैक्यूम क्लीनर खरीद लिया क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए, ये दोनों सिस्टम है, ड्राई एंड वेट। ये जो 1200 वाट का है, ये आप लोग को होम फ्लोर क्लीनिंग और कार की जो वैक्यूम क्लीनर होता है, जो कार में थोड़ा छोटा रहता है वो अच्छा नहीं लगता है, ये भी आप लोग कार में यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, इसमें लिखा है 2-in-1। तो चलिए देखते हैं, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए वैक्यूम क्लीनर जो है, अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया। तो ये देखिए, मैंने इसमें जो है एक्स्ट्रा वायर लगा लिया क्योंकि ताकि बोर्ड में आ जाए, इसमें तार थोड़ा छोटा रहता है। ये देखिए, मैंने इसमें कहा दिया, इसमें अलग से लगा लिया। ये देखिए, इसमें सेलो ट्यूब से बांध दिया। तो अभी इसको देखेंगे, इसका जो सामान है वो आपको क्या क्या मिल रहा है। गाइस ये देखिए, इसका हॉर्स पाइप कितना बड़ा दिया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये देखिए कितना बड़ा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ जो सामान है वो क्या क्या दिया मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। गाइस देखो, ये आप लोग फ्लोर में इजीली क्लीन कर सकता है। और इसका जो पाइप है वो भी काफ़ी बड़ा दिया। ये देखो, अभी सेट करेंगे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इधर घुसने वाला है, ये देखिए इसका जो पाइप है, एक मिनट, मेरा सीलिंग में आ गया, इसका टूल भी जरूरत नहीं है। मेरे को एक खास चीज बहुत अच्छा लगा, इसका जो मेन चीज है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये देखो, उठाने वाला भी दिया है, इसको उठा के कहीं भी ले जा सकता है। ये देखिए, ये मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा। और इसका हॉर्स पाइप भी काफी बड़ा है, ये देखो इसका हॉर्स पाइप भी बड़ा है। सो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक मार देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।